ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड वीडियो है, मींस इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसमें कुछ टॉपिक कवर भी कराए थे मैंने। अब इस वीडियो में हम आगे का कवर कराएंगे, तो जिसने पहले नहीं देखा पहले वाला वो जाके पहले चैनल में जाके देख लेगा, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं, देन ये वाली वीडियो देखें। उसमें हमने फैक्टराइजिंग मेथड कवर कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद इस बार आया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत ही बच्चों को सीखना रहता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, तो बहुत फोकस करना, एंड तक रुके रहना ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आप क्लिक करके आए हो इस पे, एडमिट समझने के लिए ही आए हो, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टराइजिंग मेथड। उसके लिए एक अपने बुक का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी पहले खत्म कीजिए, उसके बाद बाहर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, टॉपिक है हमारा, दिख रहा है, टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट करके हम क्या फाइंड करेंगे, रूट्स, ठीक है, रूट्स फाइंड करेंगे या फिर जीरो फाइंड करेंगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब अपना एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा एग्जांपल है जी, आपके पेज नंबर 78 पे लिखा है एनसीईआरटी की बुक, अगर आपने बुक ले रखी होगी तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये आपको एक क्या दे दिया, पॉलिनोमियल, जो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो आप वाली वीडियो जरूर देख लेना, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। अब देखो ये आपको दे रखा है, पहले तो हमने फैक्टराइजिंग वाला मेथड इस्तेमाल किया था, फैक्टराइजिंग में क्या था, इधर वाला मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके दो नंबर्स बनाते थे, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाता था हमारा दो नंबर, और उसके बाद हम जीरोस फाइंड कर लेते थे। इसमें आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, नाम से दिखा रहा है कि हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे स्क्वायर देखते रहे, सबसे पहले स्क्वायर बनाने के लिए आप जो ये दोनों नंबर है इन पर फोकस करेंगे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाते हैं, इसको बनाने के लिए जो भी नंबर लिखा है, ठीक है, उसको दो से डिवाइड कर दो, मींस एक्स प्लस क्या था 4x था, तो 4 बाय 2 करके इसको होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, और देन माइनस कर देना यही 4 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे है एक्चुअली, अभी पहले इसको देख ले, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपली ये 2 से 2 कट रहा है, तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, 2 2 4, तो इट मींस कि इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो कहां था, माइनस 5 भी था, तो हम माइनस 5 को भी लेंगे, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इक्वल टू जो हमें पॉलिनोमियल दिया होता है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होता है, उसको हमें जीरो के बराबर रखना होता है, देन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उस एक्स की वैल्यू पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हम जीरोस निकालते हैं, जीरोस के लिए क्या करा हमने, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 था, और ये क्या था, माइनस 5, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, उसको जीरो के बराबर रख दिया, देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन नीचे देख लें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये माइनस 9 उधर जाएगा, तो आप जानते हो साइन चेंज होके प्लस का 9 बन जाएगा, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद जो हमारा क्या था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर था इक्वल टू 9 था, आप जानते हो कभी भी इधर स्क्वायर रहे तो उधर जाएगा, तो रूट में बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू यहां बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 बन जाएगा, x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 3 आई। इट मींस कभी भी आप जानते हो ये चीज कि कभी भी कोई भी वैल्यू अगर रूट में फंस जाती है तो जब रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस की भी निकल सकती है और माइनस की भी निकल सकती है, इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो हमारा एक बार क्या बनेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 3, और एक बार क्या बनेगा, x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो ये क्या आ गया, माइनस प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस 2, देन x की वैल्यू आ गई 1, तो एक जीरो तो हमारा 1 हो गया, देन दूसरा वाला देखेंगे तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू x की वैल्यू आई माइनस 5, तो हमें दो जीरोस निकालने थे। आप जानते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसकी डिग्री मैंने बताई थी, डिग्री क्या होती है पिछली वीडियो में, डिग्री अगर 2 होती है तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और उसके उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, जिसके जितनी डिग्री रहेगी उसके उतने ही क्वाड्रेटिक सॉरी उसके उतने ही जीरोस आएंगे, तो हमारे कितने आएंगे, 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 जीरोस आ गए। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आगे आगा हमारा नया टॉपिक,
देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो क्लासेस चल रही हैं ठीक है यूट्यूब पे, वो पूरा का पूरा 10th का मैथ का सिलेबस है ठीक है, टर्म टू का, तो उसमें मैं आपको सारा का सारा समझाऊंगा और सॉल्यूशन की वीडियो अलग बनाऊंगा। तो जिसको सिर्फ सॉल्यूशन देखना रहेगा ठीक है वो दूसरे वाले वीडियोस में देख लेगा, और जिसको समझना होगा वो इस वाली वीडियोस को देखेगा ठीक है। यहां तक समझ में आया ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए आए हो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ठीक है। ये क्या चीज होती है देखो, डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो हमारा रूट्स है वो रियल रूट्स है या रियल रूट्स नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। कैसे देखो, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से दिखाते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी ले लो, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ठीक है। अब इससे पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि रूट्स निकालने का तरीका तो एक फैक्टराइजिंग मेथड वाला बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होती है ठीक है। अब जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है वो एक और रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप हर तरीके के रूट्स निकाल सकते हो ठीक है। जो फैक्टराइजिंग मेथड था उसमें हमें दो नंबर फाइंड करने पड़ते थे तो वो बहुत मुश्किल से मिलते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है। पॉलीनोमियल मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाया था, क्या लिखाया था, ए एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये जो ए है वो यही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, और ये जो बी है वो एक्स का कोफिशियंट है, सी तो आप जानते हो कि कॉन्स्टेंट टर्म है ठीक है। इतना मालूम होने के बाद अब देखो एक चीज आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में एक चीज बताई थी बात कि ये रिलेट करता है अगले क्लास से, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक चैप्टर का नाम है तो उससे रिलेट करता है। कैसे, यहां पे देखिए ये क्या है रूट में, और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है आपके कोर्स में जो भी चीज है ठीक है, आपके कोर्स में कोई भी रूट अगर निकलता है कब, जब वो पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब 4 रहेगा तो निकल सकता है, लेकिन अगर -4 रहेगा तो हम क्या लिख लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है। यही मेन चीज है इसमें भी कि एग्जिस्ट कब करेगा कब नहीं करेगा। अब देखो इस फॉर्मूले से तो आप निकाल सकते हो, कोई भी रूट्स निकाल सकते हो, बट समझने वाली बात देखो, समझने वाली बात यह है कि यहां पे क्या है, अंडर रूट में अगर ये रूट की वैल्यू ठीक है माइनस में आ जाए तो इसका मतलब रूट्स नहीं निकलेगा ठीक है, क्योंकि रूट्स निकलेगा ही नहीं, रूट नहीं निकलेगा तो क्या हमारा जीरोस भी नहीं आएगा ठीक है। कैसे देखिए, इसी को हमने क्या नाम दिया, डी दिया था, क्या नाम दिया था, डी स्क्वायर। तो हमारा जो एक्स का फॉर्मूला आया वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a आता है। तो मान लीजिए अगर जो डी की वैल्यू है ठीक है, आप जानते हो अगर वो क्या है, पॉजिटिव आए ठीक है, प्लस का है, तो जो क्या करेगा, जीरो से वो एग्जिस्ट करेंगे ठीक है, जीरो से एग्जिस्ट करेंगे, बट अगर जो डी की वैल्यू है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए ठीक है, तो जो जीरोस है आप जानते हो जब नहीं निकलेगा उसमें से तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। इट मींस टोटली डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, तो सबसे पहले आप उसका डी निकालोगे ठीक है, डी निकल जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप वहीं पर डायरेक्ट लिख देना कि डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है, मतलब जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉजिटिव के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना और एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी। अभी आगे एक एग्जांपल करके भी बताऊंगा मैं किस तरीके से करना है, यहां तक तो पता चल गया होगा आप लोगों को ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अब यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आया और अगर मान लीजिए डी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो के ही बराबर आ जाए ठीक है, जीरो के बराबर आ जाए, तो आप जानते हो देखो बी तो सेम रहेगा ठीक है, ए भी सेम रहेगा, डिपेंड करता है यहाँ पे, यही तो प्लस माइनस लगा है, मीन जब भी रूट्स आता है तो एक प्लस का एक माइनस का आ जाता है। अगर डी सेम आ गया, जीरो आ गया, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये जीरो हो गई तो माइनस डी बाय 2a फॉर्मूला हो गया, तो दोनों के दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या रख लोगे, इक्वल रूट्स ठीक है, इक्वल रूट्स या फिर इक्वल जीरोस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल रूट्स या फिर इक्वल जीरोस लिख सकते हो। अब ये होता क्यों है वो भी सुन लो, अभी बताया क्योंकि ये पूरा जीरो है तो ये पूरा हट गया, जो भी हमारा रूट्स आता पॉजिटिव आता है, मान लीजिए पॉजिटिव आया तो यहां से कुछ वैल्यू निकलेगी, एक बार प्लस के लेके निकलेगी, एक बार माइनस के लेके लगेगी, तो रूट्स तो निकलेंगे ही ठीक है, बट उसके साथ दोनों का साइन अलग रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स निकलेगा या जीरोस निकलेगा बट डिस्टिंक्ट रूट रहेगा ठीक है,
या फिर डिस्टिंक्ट जीरोस रहेगा, मतलब अलग अलग जीरोस रहेंगे या अलग अलग रूट्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में मैंने बता दिया जीरोस नहीं निकलेंगे, और जीरो आया तो इक्वल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल रूट रहेंगे। ये बात आती है, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमने पूरा पूरा देख लिया, कितने भी क्लियर थे, कितने भी टॉपिक्स थे, एक क्वेश्चन करके भी देख लेंगे इस वाले फॉर्मूले पे कि किस तरीके से होता है। उसके बाद जितना समझाना था इस चैप्टर में वो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्वेश्चंस का, इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। बाकी मेरे साथ बने रहे, आपको मालूम है ये जो क्लासेस चल रही है वो लगातार सेकंड टर्म तक पूरा पूरा चलेगी, रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगी और एक क्लास होती रहेगी आपको, पूरा पूरा सिलेबस होगा आपका टर्म टू का, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिलते रहे। आते हैं अपने एग्जांपल पे, इसको लिख लेना अगर आपको लिखने की जरूरत हो तो, ठीक है। वीडियो रोक के लेना अगर लिखना हो तो, बैक करके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जांपल लेंगे ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। देखिए 4.4 एक का फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जो इसके रूट्स है उसका नेचर आपको निकालना है, बताना है कि क्या एग्जिस्ट करता है क्या एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट करता है तो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इफ दे एग्जिस्ट, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, कह रहा है कि अगर इनका रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको निकालना भी है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका 4.4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0, ये चीज दी गई है आपको, ठीक है। और आपको क्या बताया गया, अब आपको निकालना क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं, मीन्स जीरोस निकालने हैं, ठीक है। देखो जीरोस निकालना है या रूट्स निकालना है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कोई भी रहेगा, ठीक है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखो ए की वैल्यू निकालते हैं, हम जानते हैं ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो ए की वैल्यू 2 आई। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट, तो बी की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। सी क्या होता है, हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में जो ये कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा वो इधर दिया रहेगा, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसको इधर लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी जानते हैं ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आगे देखो, हमने पहले क्या चेक करना है, डी की वैल्यू चेक करना। डी क्या होती है, b² - 4ac होता है। b मतलब -3 का स्क्वायर ले लिया, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है, निकालते हैं 3 3 = 9। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है। देन माइनस ये कितना आ गया, 4 2 = 8 8 5 = 40, तो 40 आ गया। आपको इसको सॉल्व करोगे तो मिलना आएगा -31। इट मीन्स जो डी है आपका वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वाले में तो जानते हो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम एक 4.4 का फर्स्ट का थर्ड लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। देख रहे हैं, देखिए 4.4 का ही ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। सेम तरीका है करने का, वही तरीका, पहले हमें डी निकालना है, हम डी को देखेंगे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। आप जानते हो इसमें ए क्या है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ax² + bx + c = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं, जब हमने इतना कर लिया तो a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -6, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो d निकालते हैं, b² मतलब -6 का स्क्वायर लगेगा, ठीक है, प्लस 4 into a into c, a की वैल्यू डाल दी और c की वैल्यू डाल दी, तो d की वैल्यू 6 6 = 36 प्लस 4 2 = 8 और 8 3 = 24, ठीक है। b² - 4ac होता है, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लें, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव होता है तो क्या बोलते हैं हम कि रियल रूट, ठीक है, रियल रूट्स है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन बस कैसे रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट रहेंगे। अब उसको निकाल लेते हैं एक्चुअल में क्या होता है वो। सबसे पहले आप जानते हो कि एक्स की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस, x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² - 4ac था, ठीक है, अपॉन में 2a था, इसी को हमने क्या बोला था, d बोला था, और d की वैल्यू कितनी हमारी, ठीक है, इस पूरे को नहीं बोलते d, सॉरी,
ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं डी। तो एक्स की वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a आ गया। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू देखो, सबसे पहले b की वैल्यू कितनी है, माइनस, देन माइनस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब रूट 12 जब बाहर निकलेगा तो आप जानते हैं कैसे निकलेगा, 2 रूट 3 करके निकलेगा। ठीक है, x इक्वल टू ये आया 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4 आया। ठीक है, अब एक बार हम प्लस का लेके चलेंगे और एक बार हम क्या लेके चलेंगे, माइनस का लेके चलेंगे, देखिए कैसे होता है। एक बार प्लस का लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया, और एक बार माइनस लेके चलेंगे तो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, इतना आया। देखो यहाँ यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन लिया, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 आ गया। सेम यही पैटर्न इसमें भी आजमाएंगे, 2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 आया। 2 से 2 कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आपका जो रूट्स आया वो क्या आया, x की वैल्यू जो आई है वो क्या क्या आई है, एक आई है 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 आई है, और दूसरी क्या आई है, 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 आई है। तो आपको पता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स आते हैं, और दो के दो रूट्स हमने निकाल दिए, एक 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 आया है, और एक 3 माइनस 3 रूट अपॉन में 3 आया है, ठीक है, सॉरी 2 आया है। तो ये दो आपके रूट्स निकल गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। तो अभी तक जितना इस चैप्टर में समझने लायक था वो सारा का सारा हमने समझ लिया है। अब बचा क्या है, इसमें जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस बचे हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें सारे पूरे चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन रहेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा, तो उसमें देख लेना। बाकी जिसको समझना था उसके लिए इतना ही था। दो क्लास हो गई है हमारी मैथ की, ठीक है, टर्म 2 के लिए। अब तीसरी क्लास जो रहेगी वो चैप्टर नंबर 5 की रहेगी, एपी की। तो आपको वो एपी वाला चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, ये रेगुलरली क्लास चलती रहती है। आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे टर्म 2 करके नाम बना हुआ है, आप उस पे क्लिक करेंगे, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहां तक कवर कर दिया हमने चैप्टर 4, सारा जितना समझने वाला पार्ट था समझ लिया है। अब क्वेश्चन है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी जो थर्ड क्लास होगी वो आपकी सिंपली एपी की रहेगी, तो एपी को एक बार आप देख के आइएगा जब कल वाली क्लास होगी तो, ठीक है।